3 पाठ 8 पानी की खोज में। बच्चों, यह पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीने योग्य वायु, पानी, भोजन सभी कुछ उपलब्ध है, किंतु मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दिन प्रतिदिन इस खूबसूरत पृथ्वी को प्रदूषित करता जा रहा है। बच्चों, यह कहानी इसी पर आधारित है कि किस प्रकार दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी ने स्वच्छ पानी जब धरती पर मांगा तो उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। चलिए ये कहानी हम आगे पढ़ते हैं। सुबह का समय था। एक रॉकेट दूर से उड़कर टीना के घर की छत पर उतरा। टीना गहरी नींद में सो रही थी। रॉकेट का दरवाजा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और एक अजीब सा प्राणी छत पर उतरा। उसने टीना को जगाया, जागो बिटिया जागो। टीना जो है वो सोई हुई है और वह गहरी नींद में सो के सपना देख रही है। उस सपने में वह देखती है कि कोई उसके घर में रॉकेट से आता है और उसको जगाता है। टीना ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत प्राणी देखा। अद्भुत का अर्थ क्या होता है? अनोखा। ठीक है, प्राणी का अर्थ क्या होता है? जिसमें प्राण हो। अनोखा प्राणी देखा, यानी वो इस धरती का नहीं दिख रहा था, वो अजीब दिख रहा था। लेकिन टीना बहुत बहादुर थी, डरी नहीं। वो अजीब से प्राणी को देखकर टीना डरी नहीं, घबराई नहीं और बहादुरी से डटी रही। मैं जीतो हूँ, अब वो अजीब प्राणी बोलता है टीना से कि मैं जीतो हूँ, बहुत दूर बसे एक ग्रह से आया हूँ, मुझे साफ पानी चाहिए। अब वह अजीब प्राणी जो है वो टीना से साफ पानी मांगता है। क्या आप साफ पानी खोजने में मेरी सहायता करेंगी? प्राणी ने कहा। तब टीना क्या बोलती है? हाँ, जरूर करूंगी। टीना उत्साह से बोली। उत्साह का अर्थ क्या होगा? उत्साह का अर्थ होगा हौसला या उमंग से, खुशी से बोलती है। ठीक है, टीना जीटो जीटो के रॉकेट में बैठ गई और उसे पास ही के एक झील पर ले गई। अब टीना उसके साथ जाती है उसे साफ पानी देने के लिए। कुछ लोग झील में नहा रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे। दोनों झील के पास पहुंचे तो जीटो बोल पड़ा, यह पानी मेरे किसी काम का नहीं। जब टीना जीटो को साफ पानी देने के लिए झील की ओर गई, तब जीटो ने और टीना दोनों ने देखा कि झील में लोगों ने गंदगी फैला रखी है। कोई नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, जिसको देखकर जीटो बोलता है कि अरे ये साफ पानी तो नहीं है, यानी यहाँ का पानी वो नहीं लेगा, उसको साफ पानी चाहिए। तो इसके आगे की कहानी हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।